नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको द रियल लाइफ स्टोरी में बताने वाली हूँ डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी के नाम और उनके प्रकार की कौन कौन सी होती है, और मैं उनके बारे में भी बताऊँगी कि वो क्या क्या होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं विजुअली हैंडीकैप, जो कि मैं खुद हूँ, आप मुझे देख सकते। मेरी डिसेबिलिटी को विजुअली हैंडीकैप्ड कहते हैं। जिन्हें दिखता नहीं है या फिर जो देख नहीं पाते हैं, उन्हें विजुअली हैंडीकैप्ड कहते हैं। सेकेंड डिसेबिलिटी होती है HI, हेयरिंग इम्पैड। हेयरिंग इम्पैड मतलब जो सुन नहीं पाते हैं और जो बोल भी नहीं पाते। क्योंकि वो सुन नहीं पाते हैं इसलिए वो बोल नहीं पाते हैं। बोलना कोई डिसेबिलिटी नहीं है, पर वो सुनने के कारण वो नहीं बोल पाते। थर्ड डिसेबिलिटी है OH। OH मीन्स ऑर्थोपैटिक। ऑर्थोपैटिक मीन्स शारीरिक विकलांगता। शारीरिक विकलांगता मतलब क्या होता है कि जो शरीर से अपंग हो। अपंग मीन्स जिन्हें पोलियो ग्रस्त हो, बॉडी उनकी एक साइड से पोलियो ग्रस्त हो जाती है, या हाथ काम नहीं करते हैं, या पैर काम नहीं करते हैं, या शरीर का कोई एक भाग में लकवा लग जाता है, उसे हम OH ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी कहते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगली डिसेबिलिटी आती है ऑटिज्म। ऑटिज्म में मनुष्य को दी है और वह उसकी ग्रिप नहीं हो पाती है, और वो अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता है। जब वो किसी भी चीज़ को देखता है तो उसे आड़े आड़ी तिरछी दिखाई देती है चीज़ें, और वो देख भी नहीं पाता है। फ्रेंड्स सेकेंड डिसेबिलिटी है साइब्रल पॉलिसी, जिसमें व्यक्ति को किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी तो नहीं होती, परंतु इस डिसेबिलिटी का नाम सेरेब्रल पॉलिसी रखा गया है। जिस व्यक्ति से जो चल फिर तो पाते हैं, देख भी पाते हैं, उनका दिमाग भी चलता है, परंतु वह लोग धीरे 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 कमज़ोर होते हैं और बहुत दुबले पतले दिखाई देते हैं, और उनकी ग्रीप नहीं बन पाती है, वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। फ्रेंड्स, उन्हें किसी भी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, उसे सेरेब्रल पॉलिसी कहते हैं। फ्रेंड्स हमने बहुत टाइप की डिसेबिलिटी देखी है, जिसका हम नाम तो नहीं ले सकते, पर इतनी टाइप की डिसेबिलिटी होती है कि मतलब जो बीमार आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि जो बीमारियां होती है, जो ठीक नहीं होती है, उन्हें भी डिसेबिलिटी का नाम दिया गया है, क्योंकि वो ठीक नहीं होती है और लोग उससे ग्रसित होते हैं, और लोगों के साथ वह अच्छे से नहीं रह पाते हैं, घुल मिल नहीं पाते, इसलिए उन बीमारियों को भी डिसेबिलिटी का नाम दिया गया। पुराने समय में हम देखते थे कि बहुत सारी डिसेबिलिटी होती तो थी, पर किसी को इसकी जानकारी नहीं होती थी, कोई इसका स्पेशलाइजेशन नहीं होता था, तो कम डिसेबिलिटी काउंट होती थी। कभी 5 होती थी, धीरे धीरे बढ़ते 7 हुई, फिर उसके बाद 9 हुई, फिर 10 हुई। फ्रेंड्स ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी डिसेबिलिटी बढ़ते गई और लोगों के संपर्क में आते गई। लोग उसके बारे में स्टडी करने लगे कि वो कैसे बनी, कैसे आई, उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका प्रिवेंशन क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या प्रैक्टिकल होने चाहिए, क्या रोकथाम होने चाहिए। फ्रेंड्स इस टाइप के लोगों ने अलग अलग अपने विचार देना स्टार्ट किए, और फ्रेंड्स इन डिसेबिलिटियों के लिए स्पेशलाइजेशन चालू हुआ, और इसके लिए एक एजुकेशन भी होता है फ्रेंड्स, जिसे अलग अलग डिसेबिलिटी में होता है, आप इसे कर सकते हैं। ये 2 साल का होता है और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि एक डिसेबल्ड व्यक्ति को पढ़ाना कैसे है, उन्हें कैसी कैसी चीज़ें सिखाना है, उन्हें प्रैक्टिकल कैसे सिखाना है, उन्हें सोशलाइज कैसे करना है। फ्रेंड मैं आपको आगे वीडियो में ये सब दिखाऊंगी। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। यदि आपको कुछ और जानना हो
यदि आपके कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स, आपको आप इन सब बातों से दूसरे डिसेबिलिटी को गेस कर सकते हो और आप उनकी डिसेबल लोगों की मदद भी कर सकते हो फ्रेंड्स, और मुझसे आप और कुछ सीख सकते हो। मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ फ्रेंड्स। आप जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, आप उनकी मदद कीजिए, उन्हें बताइए और मेरा वीडियो शेयर और लाइक करिए। धन्यवाद।